हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। आज हम एक विषय के साथ उपस्थित हुए, इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। गलातियों 5 अध्याय के 19 और 21 वचन तक पढ़ देते हैं बाइबल से पूर्व पाप के लिए। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही से कह देता हूँ, जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पौलुस ने अपनी पत्री में साफ कहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के ऐसे ऐसे काम करने लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे तो सुनो, क्योंकि जहाँ पर यीशु रहता है वह जगह पवित्र है और वहाँ सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। इसलिए अभी समय है, मन फिरा लो, क्योंकि अंत का दिन चल रहा है मेरे प्रियो। लुका की पुस्तक 17 अध्याय के 34 वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए, ठीक है भैया। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। रात में लोग चारपाई पर सोते हैं, जो यीशु पे विश्वास करता होगा वह उठा लिया जाएगा। अगर दोनों विश्वासी होंगे तो दोनों उठा लिए जाएंगे। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। यानी जो यीशु पे विश्वास करती होगी, इस संसार से निष्कलंक होगी, वह उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। तो हम छोड़ने वालों में से ना बने, ठीक है भैया। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दिन में तो सभी लोग अपने खेतों में काम काज करते हैं मेरे प्रियो, मगर जो यीशु पे विश्वास करता होगा, जो इस संसार से निष्कलंक होगा, वह उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अगर किसी घर में पत्नी यीशु पर विश्वास करती है और उसका पति यीशु पर विश्वास नहीं करता है, तो उसकी पत्नी वह यीशु के साथ उठा ली जाएगी। अगर पति पत्नी दोनों विश्वासी होंगे तो दोनों उठा लिए जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हर समय हर घड़ी तैयार रहो, पाप मत करो, क्योंकि जब यीशु मसीह आए तो उसके साथ जरूर चले जाना, यहाँ मत रह जाना। क्योंकि अगर जो यहाँ पर रह जाएगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए चंगाई के पीछे ज़्यादा मत भागिए मेरे प्रियो, अपने उद्धार के बारे में सोचिए कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 7 वचन में लिखा हुआ है, 7 वचन से लेकर 15 वचन तक पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। देख, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। कौन कह रहा है? यीशु मसीह भैया जल्द ही आने वाला है। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है, जो इस बाइबल में लिखी है। भैया ये बाइबल है ना, ये कोई खेल नहीं है भैया, याद रखना इस बात को। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। कि ये सारी प्रकाशित वाक्य भैया यूहन्ना ने दर्शन के द्वारा लिखी है, ठीक है भैया। और उसने मुझसे कहा, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगी दास हूँ, परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन ही बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी ही बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र ही बना रहे। देख, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। यीशु साहब कह रहे हैं, भैया मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ, और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा और पहला और पिछला आदि और अंत मैं ही हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, अधोलोक में रहेगा मेरे प्रियो। इसलिए समय रहते हुए यीशु के पास लौट आओ, पवित्रता का जीवन बिताइए, जितना हो सके उतना बाइबल पढ़िए, क्योंकि अंत निकट है मेरे प्रियो। रैप्चर कभी भी हो सकता है, किसी घड़ी भी हो सकता है, यहाँ छूट मत जाना। अगर कोई यहाँ पर छूट जाएगा तो उसको उसके लिए कोई आस की किरण नजर नहीं आएगी, वे लोग बिन चरवाहों की भेड़े बन जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए अपना समय प्रार्थना में बिताइए और वचन पढ़िए, पवित्रता का जीवन बिताइए, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द ही आने वाला है। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर जरूर कर देना, ठीक है भैया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।